हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आर यूट्यूब चैनल। मैं हूं रेहान। मैं हूं फिजान। तो आज हम रिएक्शन करने वाले परिजात हाउस, परिजात को मिलने वाला 60 करोड़ का घर और महंगी कार्स का असल मालिक कौन है। ये वीडियो जो है urdupoint.com की तरफ से, ये एक यूट्यूब चैनल है, इस पर इस तरह के काफ़ी नॉलेजेबल वीडियोस या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से रिलेटेड वीडियोस आपको देखने को मिलते हैं। तो ये चैनल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, कमाल के वीडियोस होते हैं इनके। तो शुरू करते हैं वीडियो, हियर वी गो। ड्रामा परिजात पाकिस्तानी टीवी और नाज़रीन के दिलों पर छाया हुआ है। इस ड्रामे में अपने मालिक की मौत के बाद परिजात को मिलने वाला आलीशान घर दरअसल 10 कनाल पर मोहित है और उस्मान जफर चीमा की मलकियत है। ओ, इनका है ये घर, ने बहुत छाप छोड़ी ऑडियंस के दिल पर। करोड़ रुपए मालियत का ये घर अंदर से कैसा है और परिजात को जो गाड़ियां मिली वो कैसी हैं, आइए आज पहली बार उर्दू पॉइंट के साथ इनके असल मालिक के खुसूसी इंटरव्यू में जानते हैं। इनको कितने पैसे मिले होंगे इस चीज के। वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना भाई, उर्दू पॉइंट और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए। जैसे परिजात ड्रामा पे भी हम रिएक्शन कर रहे हैं तो वो आप एम्ब्रोज एक्स्ट्रा पर देख सकते हैं, जो हमारा सेकंड चैनल है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं फरुख उड़ाइच। ड्रामा सीरियल परिजात आप देख रहे हैं और पॉपुलर भी बहुत है और दिखाया जाता है उसमें सीन, एक घर दिखाया जाता है बड़ा शानदार। उसमें नुमान एजाज करेक्टर हैं जो वो दिखाते हैं कि जो घर के ऑनर हैं, जिनका घर जो बाद में परिजात को मिल जाता है, वो घर आखिर में है किसका, वो किस शहर में है, ये घर कितने का है, कितना महंगा है और इस ड्रामे में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियाँ जो परिजात की गाड़ियाँ हैं वो किसकी गाड़ियाँ हैं, ये सारी बातें इसी वीडियो में आपको बताते हैं। मेरे साथ मौजूद है उस्मान जफर चीमा साहब, जो घर परिजात का है वो असल में इनका है और ये घर इस्लामाबाद गुलबर्ग ग्रीन्स में है। उस्मान जफर चीमा साहब, ये घर आपने कब बनाया? ये जी हमने 2018 में यहाँ पे शिफ्ट हुए, अब 3 साल हो चुके हैं और ये चूंकि सारा एरिया नया ही अभी डेवलप हुआ है तो हम तो पिछले 2-3 साल हम अकेले यहाँ पे रहते थे, अब तो कुछ नेबर्स और भी आ गए हैं और अब ये कि ड्रामे के बाद से जो है रौनक और ज़्यादा हो गई हुई है। वीकेंड के ऊपर, संडे वाले दिन तो रोड के ऊपर काफ़ी लोग आए होते हैं घर को देखने के लिए, तो अब चहल पहल ज़्यादा हो गई है। तो ड्रामे का ये फ़ायदा हुआ है कि हम अब अकेले नहीं रहे, लोग रिक्वेस्ट करके भी आते हैं कि हमने घर देखना है। हाँ जी, वो इंटरेस्टिंगली मैंने देखा यूट्यूब के ऊपर एक वीडियो आई हुई है कुछ 4 मिनट की कि हाउ टू रीच परिजात हाउस, तो वो उसमें इधर का एड्रेस सारा उन्होंने वो सारा गाइड किया हुआ है, तो उसके बाद से लोग ज्यादा आ रहे हैं। कितना एरिया है ये घर? तो टिकट रख देना चाहिए। 2018 में आपने बनाया, ये काफी बड़ा घर है, कितने पैसों का होगा ये? जी ये 10 कनाल जगह पे है और इसका जो बिल्ट अप एरिया है वो कोई 32,000 square feet है और इसका जो हमने एक्चुअली ये घर सेल पे भी लगाया हुआ है और क्योंकि हम बिल्कुल सामने हमारा नया घर बन रहा है तो उधर हम इंशाल्लाह शिफ्ट हो जाएंगे चंद माह में, तो इसलिए ये घर सेल पे भी था तो इसकी हमने जो प्राइस लगाई हुई है वो 60 करोड़ रुपये है। परिजात का घर 60 करोड़ में खरीदा जा सकता है? जी बिल्कुल, ना कि वो बल्कि इंटरेस्टिंगली मैं कुछ गाड़ियों में से एक गाड़ी अपनी बेचनी थी तो वो भी एडवर्टाइज हुई हुई है और वो उसको भी लोगों ने एडवर्टाइज किया हुआ है परिजात कार फॉर सेल, सो परिजात हाउस फॉर सेल एंड देन यू नो वो एक कार परिजात कार फॉर सेल। और इंटरेस्टिंगली जो हम जिससे कारपेट्स वगैरह खरीदते हैं वो उसने जो अभी लेटली ईरान से कारपेट इम्पोर्ट किए हैं उन्होंने उसका नाम ही रख लिया परिजात सीरीज, तो वो काफ़ी। ये बताएं कि ये कितने दिन के लिए घर दिया आपने और अभी भी इसमें शूटिंग चल रही है? जी बिल्कुल, ये घर जी इनिशियली तो उन्होंने 8 दिन के लिए लिया, फिर उसके बाद कोई टोटल 11 या 12 दिन अभी तक शूटिंग हो चुकी है और एक आधा शायद अभी और भी रहता है एक दिन का शूट। इसमें क्या ये क्या हुआ कि आमतौर पे देखा जाता है कि घर इस्तेमाल होता है, आपकी गाड़ियां तक भी इस्तेमाल की गई, ये क्या? ये नहीं कह सकते इस्तेमाल हुई, वो इसी एरिया में, हाँ जी बिल्कुल लोकली वो यूज़ कर रहे थे इसी विसिनिटी के अंदर, तो वो घर के हम, बल्कि हमें तो ये था, मेरी वालदा बार बार मुझे के पूछती थी कि भाई इतने सारे मेहमान आए हैं इनको खाने का पूछा है और इनको खाना दिया है नहीं दिया, तो वो उनको मैं पूछता, वो कहने नहीं जी आप हमें पूरा नहीं कर सकते खाना, हम लोग बहुत बड़ी टीम है, वो काफ़ी 50-60 लोग होते थे,
तो वो हमें बल्कि शर्मिंदगी महसूस होती थी काफ़ी दफ़ा कि मतलब वो कई दफ़ा अपना खाना खुद ले आए, पर अदरवाइज हमारी तो कोशिश थी कि गाड़ियाँ तो छोड़ के बर्तन शर्तन और भी जो भी उनको ऑन एंड ऑफ चीज़ें चाहिए होती थी वो हम उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं। उन्होंने आपको बताया कि हम यहाँ पर एक ड्रामा शूट कर रहे हैं उसका नाम परीजाद है, तो बाद में आप खुद भी वो ड्रामा देखते हैं? जी बिल्कुल, एक्चुअली हुआ ये कि जब मैं बड़ा एप्रीहेंसिव था कि ड्रामे के लिए दूँ और दूँ या ना दूँ, और फिर मैंने ख़ास तौर पे जब उन्होंने कहा तो मैंने कहा जी एक चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट है वो ये बताना कि ये घर आपने किसी ऐसे का नहीं शो करना कि जिसका कोई सोर्स ऑफ इनकम आइडेंटिफाइड ना हो या इस तरह की चीज़ें ना हो। तो वो जब ड्रामा आया तो पहले तो हम ज़रा परेशान हुए कि ये तो किसी गैंगस्टर का घर किस शो किया हुआ है, तो फिर किस आगे बढ़ी। हाँ, फिर जब हमने उनसे गिला किया, उनको कहा कि जी ये आपने, तो उन्होंने हमें कंसोल इस तरह किया कि जी ये एंड में घर परिजात का हो जाएगा, नेक आदमी है, नेक आदमी है। सो वो सेटिस्फाइंग था रिलेटिवली, अदरवाइज थोड़ी देर बीच में एंग्जाइटी हुई कि ये जो गाड़ी है आपकी जो अब आप सेल कर रहे हैं ये कौन सी गाड़ी है और ये उसी ड्रामे में शूट भी हुई है, किसकी मलकियत थी ड्रामे में? जी गाड़ियाँ जी काफ़ी सारी यूज़ हुई वो, पर वो बाकी सारी तो फॉर सेल ही हैं, वो उनमें से एक जो है वो मैं चेंज कर रहा था। जो ड्रामे में यूज़ हुई वो रेंज रोवर यूज़ हुई, लेक्सस यूज़ हुई, लैंड क्रूज़र यूज़ हुई, और एक हम दो हमर थी तो उनमें से एक हमर जो है वो मैं सेल कर रहा हूँ। किसके इस्तेमाल में? जो हमर मैं सेल कर रहा हूँ वो तो शायद ये सिक्योरिटी के लिए यूज़ कर रहे थे, प्रोटोकॉल। हाँ जी, और जो बाकी थी वो जो रेंज रोवर वो जो लीड उनके स्टार हैं वो यूज़ कर रहे थे, और अभी जो हमर है वो जो बड़ा वाला हमर है वो तो इधर सिर्फ पार्क ही था तो वो उन्होंने यूज़ में नहीं था, बस पार्क खड़ा हुआ उन्होंने शो किया। क्या इन 12 दिनों में इंटरेस्टिंग क्या हुआ यहाँ पे कि आपका पहला तजर्बा ये कि इस तरह आपके घर के अंदर आप बकायदा ये घर के अंदर लोग आए, उन्होंने शूटिंग की, फिर वो ड्रामा सीरियल इतना पॉपुलर हो गया, लोगों ने आपके रिश्तेदारों ने फ़ोन किया होगा कि ये आपने वो घर बनाया है? बिल्कुल एग्जैक्टली हुआ ये कि ये आया कोई 10th या 11th एपिसोड पर आया, मैं ड्रामा देख नहीं रहा था, मैं बाहर था ट्रैवल कर रहा था, तो जब ये उस 10th-11th एपिसोड में ये आया है तो मुझे उधर कनाडा में लोगों ने कॉल करना शुरू कर दी कि आपका घर ड्रामे में आया हुआ है, और तो तब मुझे पता चला, और फिर मैंने उसके बाद से ड्रामा जो है वो देखना शुरू किया के शुरू से के वो है, और अब पता चल रहा है कि देखने में आता है कि जी वो तो इंडियन स्टार्स भी देख रहे हैं, कैटरीना कैफ भी ये ड्रामा देख रही है। सो वो इंटरेस्टिंग था कि काफ़ी लोग, आपके घर की शोहरत तो पूरी दुनिया में पहुंच गई। ये घर जो है ये 60 करोड़ का आप सेल कर रहे हैं, कितने कमरे हैं इसमें और ख़ास बात क्या है इसकी? कमरे तो कोई इतने ज़्यादा नहीं है, 14 कमरे हैं, पर चूंकि घर स्प्रेडेड है, बिल्डअप एरिया बड़ा है, यानी 32,000 square feet जो है उसमें कॉरिडोर्स, जिस तरह आप ये कॉरिडोर देख रहे हैं इस तरह मोस्टली कॉरिडोर्स और ओपन एरियाज हैं, तो वो उस वजह से घर बहुत बड़ा लगता है, अदरवाइज कमरे 14 ही हैं इसमें। इस घर की परिजात की मकबूलियत की वजह से घर की मकबूलियत भी है, तो लोग आते हैं कि हमने ये देखा है, या खरीदार ज़्यादा हुए इस वजह से या इसके बाद आपने सेल करने के लिए लगाया ये? हमने यस उसके बाद ही एक्चुअली सेल पे लगाया हुआ है, और ये मतलब ज़रूरी नहीं कि हमने सेल करना है, हम रेंट भी शायद कर दें, रेंट आउट कर दें, दोनों सूरतें मौजूद हैं। यस दोनों हैं, तो पर ऑफ कोर्स उससे बहुत बड़ा एक बिल्कुल यस ऑफ कोर्स नहीं। ये हैं उस्मान जफर चीमा साहब जो असल मालिक हैं इस घर के, यानी कि परिजात के घर के। एक ये घर पूरा 60 करोड़ में बिक रहा है और ख़रीदार जो भी हैं लोग देखने आ रहे हैं वैसे भी इस घर को, क्योंकि मकबूलियत बहुत ज़्यादा मिली, और इसी तरह एक गाड़ी है, और हमने शायद हम पहले वो लोग हैं जो बता रहे हैं लोगों को कि परिजात का घर मिल गया है, और वो किसका है असल मालिक कौन है आप तक पहुंचा रहे हैं। अगर आप भी ये घर ख़रीदने के ख्वाहिशमंद हैं तो उस्मान जफर चीमा साहब से रब्ता करें। अपने मेज़बान फ़रूख उड़ाइज को इस्लामाबाद से इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद। यार ये काम क्या करते ये तो बताया ही नहीं। अब वो घर के बारे में इतने सवाल थे कि वो कितना लंबा इंटरव्यू करते हो। हाँ, वैसे ये मिनट का वीडियो तो हो वैसे मैं ये कहूँगा कि परिजात इतना स्पेशल ड्रामा है कि मुझे लगता नहीं, मुझे मैं नहीं चाहूँगा कि ये जो है ये घर को सेल करे। मुझे लगता है इसी तरह से ड्रामा इंडस्ट्री को ये देते रहे, क्योंकि ड्रामा इंडस्ट्री में ऐसी तरह के बड़े बड़े बिजनेसमैन के जो भी रोल करते हैं उन लोगों को ज़रूरत होती होगी ऐसे घर की, और मुझे लगता है देना चाहिए उनको।
इंडिया में तो क्या रहता है कि ड्रामे वगैरह कुछ भी शूट होते हैं तो घर वगैरह जो बताते हैं सेट ही रहते हैं वो। हाँ सेट रहते हैं मोस्टली। वैसे एक चीज़ मैं कहूँगा कि ये जो इसकी कीमत बताई इन्होंने 60 करोड़ रुपए, वो भी इस्लामाबाद में और इतना बड़ा एरिया है, अगर इंडिया के प्राइस के अकॉर्डिंग में इसे कंपेयर करूँ तो ये बहुत ही सस्ता है भाई। मतलब इंडिया में अगर ऐसा घर, अगर अगर दिल्ली में, दिल्ली में इतना बड़ा घर जो इन्होंने साइज़ बताया उसके अकॉर्डिंग लिया जाए तो करीब करीब 200 करोड़, तो 150 से 200 करोड़ का तो आएगा भाई। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि इतना बड़ा एरिया, इतना आलीशान घर, उसके अंदर इतनी सारी चीज़ें, बहुत ही बड़ा घर है, बहुत बड़ा है। और साथ में अगर ये प्राइस जो 60 करोड़ इन्होंने बताई है कि इंडिया में इसको करें इंडियन करेंसी में, तो ये करीब 25 करोड़ हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान में प्रॉपर्टी के रेट कम है, मतलब कम है। हाँ, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं हम वहाँ पे इंडिया में यार 25 करोड़ में तो ऐसा बहुत छोटे घर मिलेंगे, बहुत मतलब छोटे मिल जाएगा, अच्छा खासा बंगला मिल जाएगा, लेकिन ये नहीं मिलेगा। हाँ इतना बड़ा नहीं मिलेगा और इतना आलीशान। इंडिया में हो सकता है हमारे सिटी में मिल जाए इंदौर, क्योंकि इतना बड़ा शहर नहीं है। लेकिन अगर दिल्ली या मुंबई की बात करें तो वहाँ इतना बड़ा अगर घर लेना है मुंबई में तो मुझे लगता है 250 करोड़ देना होंगे आराम से, और दिल्ली में बात करें तो 150 करोड़ तो देना ही पड़ेंगे। बहुत बड़ा है यार, क्योंकि बहुत बड़ा यार, बहुत ही लग्जरी भी, और कार है उनका, कारों का यार वो देखो यार उनका। वैसे इनका कोई बहुत ही बड़ा बिजनेस होगा इसी वजह से, मुझे लगता है वो ऑफिस भी इनका ही होगा जो परिजन में दिखाया हो सकता है यार। वैसे पाकिस्तान में जो भी ड्रामे रहते हैं उनमें जो बड़े बड़े बंगले वगैरह बताते हैं वो सब रियल ही होते हैं, तो वो ऐसे ही किसी के लेकर वो बनाते होंगे। वैसे परिजात में ये दिखाया गया है कि ये घर कराची में है, लेकिन असल में इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद में ही है, और परिजात की शूटिंग भी इस्लामाबाद में ही हुई है। हाँ, कराची का कहाँ कुछ ज्यादा कुछ बताया, कुछ भी नहीं दिखाया है, तो बस बोल देगी कराची, व्यू दिखा देते हैं कि हाँ ये लोग ये एरिया है, बट लेकिन वो साइड वो तो होता तो मुझे लगता है इस्लामाबाद में ही शूटिंग, इस्लामाबाद में ही। सही, आप कॉमेंट करके ना आपको इस चीज से रिलेटेड कोई बात पता हो तो कमेंट करके, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन मेक लव नॉट वॉर।